आप बीजेपी के ना प्रवक्ता मत बनिए साधु यादव जी आप जो धर्म 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 का आप जो लोटा लेके घूम रहे हैं ना ये मत कीजिए आप बीजेपी हमेशा ये करती है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको बीजेपी के यहाँ जाकर के पत्थर चाटने को मिलेगा इसलिए मुझे इस तरह की भाषा बोलनी है तो आप बोलते रहिए आपकी कुछ नहीं आप में कोई काबिलियत नहीं है कि आप मुखिया चुनाव भी नहीं आप जीत सकते हैं साधु जी कुछ और नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना छीछा लेदर कर रहे हैं जनता ने तो आपके मुंह पे तमाशा दे मारा कि आप कोनो लायक नहीं है कंस मामा को भी लाखों किलोमीटर पीछे छोड़ करके अपनी जो है ना कहीं आगे इन्होंने अपनी बदतमीजी और बर्बादी दिखाई है मैं तो दरखास्त करना चाहूंगी बहन मायावती जी को कि वो साधु यादव पे अविलंब कार्रवाई करें क्योंकि ये इन्होंने कहीं ना कहीं मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश की है उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है कांसी राम जी के सपने को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है उनपे प्रहार किया है उनके उनके विचारों पे उन्होंने प्रहार किया है भाई अगर आप वाकई में किंग में कर तो बिहार के आप किसी भी एक सीट से आपको खड़े होकर के जीत करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं किंग में करूं मेरे लिए गोपालगंज और अन्य जो है ना पसंदीदा सीट कोई माने नहीं रखता मैं बिहार के किसी कोने पे खड़ा हूं बिहार छोड़िए आप भारत के किसी भी सीट को पकड़ लीजिए और जीत के दिखाइए तब कहीं ना कहीं लोग मानेंगे कि आप किंग में कर तो गोपालगंज तो बिहार शरीफ तो नालंदा इन्होंने जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया वो दलितों पे प्रहार है डायरेक्टली वो दलितों पे प्रहार है महिलाओं पे प्रहार है और इससे रिश्ता शर्मसार हो रहा है महिलाएं शर्मसार हो रही हैं तो साधु यादव जी पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए मायावती जी को एक कहावत है ना मामा से काना मामा अच्छा लेकिन यहाँ एक पूरा मामा है बात करें साधु यादव जी के बारे में तेजस्वी यादव की शादी से पहले फायर थे अब तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव पर भी फायर हो गए कुछी कु पोल पट्टी खोल रहे हैं उनका कहना कृष्ण से काहे शादी कर लिए यादव से कहे नहीं किए सारिका पासवान जी हैं प्रवक्ता हैं आर की काहे यादव से शादी नहीं किए तेजस्वी जी कृष्ण से काहे कर लिए साधु यादव बोल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शादी विवाह और रिश्ते जो होते हैं ये बहुत ही पर्सनल होते हैं और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का कदम उठाया वो पूरे यूथ के लिए एक बहुत ही मैसेज है बहुत अच्छा मैसेज है कि उन्होंने सिर्फ अंतर जातीय नहीं अंतर धर्म में जाकर उन्होंने शादी की तो ये तो कहीं इस पर प्रश्न ही नहीं बनता अब रही बात कि साधु यादव जी की नाराजगी है तो हालांकि आपने परिचय दिया ही कि वो उनके मामा हैं लेकिन जिस तरीके का व्यवहार और उनके भर्सन सुनने को मिल रहा है वो बहुत ही अशोभनीय है बहुत ही लज्जित करने वाला शर्मसार करने वाला है मामा और भगने के रिश्ते को उन्होंने बिल्कुल ही दागदार कर दिया है। दूसरी बात आपने उनका परिचय दिया कि वो बीएसपी के नेता भी हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जिनकी की अभी जो हमारे प्रमुख हैं मुखिया जो हैं, वो कुमारी मायावती जी हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं और उस पार्टी से आने वाले जो कि जिनकी विचारधारा ही रही है कि जातिवाद को समाप्त करना हाँ बिल्कुल जातिवाद को समाप्त करना सोशल इक्वालिटी की बात करने वाले लोग और उस पार्टी से बिलोंग करते हुए भी इनकी जिस तरीके की, की भाषा सुनने को हमें मिल रही है ये बिल्कुल अशोभनीय है मैं तो दरखास्त करना चाहूंगी बहन मायावती जी को कि वो साधु यादव पे अविलंब कार्रवाई करे क्योंकि ये इन्होंने कहीं ना कहीं मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश की है उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है कांसी राम जी के सपने को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की है उन पर प्रहार किया है उनके उनके विचारों पे उन्होंने प्रहार किया है तो ये पूरी की पूरी एक तरह से कह लीजिए ये पारिवारिक मैटर ना होते हुए एक सामाजिक मैटर है आज हम जो आप अगर एक बात कहिए कि क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले कौन है बिहार में अगर हम आंकड़े निकाल के देखें अभी भी कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट में थी जहां की गया और कई ऐसे जिले हैं जहां पे कि दलित समाज के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था तो अगर आप उन आंकड़ों को भी जाएं तो आखिर वो लोग कौन है जो कि क्रिश्चियन धर्म को ज्यादातर जो दलित है ज्यादातर वही लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं तो आप तो उनपे भी आप प्रहार कर रहे हैं साधु जी कुछ और नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना छीछा लेदर कर रहे हैं एक शब्द होती है है ना छीछा लेदर साधु जी अपना मौखौल उड़ा रहे हैं अगर हम पौराणिक में भी जाए तो कहा जाता है कंस मामा की इन्होंने उस कंस मामा को भी लाखों किलोमीटर पीछे छोड़ करके अपनी जो है ना कहीं आगे इन्होंने अपनी बदतमीजी और बर्बादी दिखाई है तो अब आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे कि कंस मामा छोड़ दीजिए साधु मामा ही काफी है उनको याद करने के लिए तो भाई इसमें ये भी कहा जा सकता है कि आ, साधु मामा से अच्छा काना मामा देखिए रिश्ते को तो उन्होंने तार तार किया शर्मसार किया कि, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने अब अगर सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक बात होती तो हम चुप रहते बात यहां उन्होंने पार्टी पे प्रहार किया और ये एक पार्टी राष्ट्रीय जनता कह रहे हैं बल लालू यादव के चपरासी बनने की योग्यता नहीं थी हमने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया तेज प्रताप तेजस्वी के बारे में भी बोल रहे तेज प्रताप अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे राजयोग खत्म हो गया है देखिए सीधे सीधे उन्होंने लोकतंत्र पर प्रहार किया है अगर उन्हें जानकारी होती मुख्यमंत्री वो बना रहे होते तो एक बात बताइए जहां पे कि आज हमारे तेरह तेरह करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या अगर हम पंद्रह साल पीछे चले जाए तो दो तीन करोड़ और आप कम कर लीजिए आठ और नौ करोड़ लोग थे तो क्या साधु यादव बैठ करके अगे अकेले आठ करोड़ लोगों की स्टैंपिंग कर रहे थे जो वो कह रहे कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बनाया आज उनका जनाधार क्या है वो अगर चौक चौराहे कहीं पे भी खड़े होकर सौ लोगों को जमा कर ले तो मैं जानू की उनके पास जनाधार रहे अगर कोई नेता बनता है अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है कहां काहे का किंग मेकर खुद को तो आप एक मामूली सा अदना सा अच्छा आपने अपने आप को एक जनसेवक नहीं बना पाए तो आपकी क्या हैसियत और क्या बिसात है कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ये ओछी बात है शर्मनाक बात है और ये बड़ बोले वाली बात है और कुछ नहीं मुख्यमंत्री कोई कौन बनाता है लोग बनाते हैं जनसेवक होते हैं वही जनसेवक मुख्यमंत्री बनते हैं जो लोगों में प्रिय होते हैं और लालू प्रसाद यादव जी की पॉपुलैरिटी, उनको पसंद करने वाले उनको प्यार करने वाले विचारधारा से उनसे जुड़े हुए लोग आज देख लीजिए कि आज महज बारह हजार वोटों से ही हम पीछे रहे और वो बारह हजार भी किस तरीके से हम रहे ये साधु यादव बिल्कुल बिना साधु यादव कहाँ है मैं भी पार्टी में बहुत आ, सालों से जुड़ी हुई हूं लेकिन मैं जब से पार्टी हूँ साधु यादव को नहीं देख रही उनका अस्तित्व तो कहीं देख रही और अगर आज पार्टी में इतने सुधार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी की पहल की वजह से क्योंकि उन्होंने पार्टी को ए टू जेड में सिर्फ कहा ही नहीं उसको उन्होंने बनाया और वो तमाम जो लोग हैं जो ए टू जेड में आते हैं चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो महिला हो या पुरुष हो वो सारे लोगों के समावेश से आज राष्ट्रीय जनता दल जो है आर के नंबर वन की पार्टी बन के उभरी है आप इतना कड़क होकर बोल रहे हैं मामू बमकल हैं अब उनका पारा हाई हो गया है अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे देखिए सबसे पहले तो ये मुख्यमंत्री बनाने वाले व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि जब से ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए तब इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा उसके बाद ये जाकर के इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई गरीब जनता दल टेम्पू छाप उसके बाद इन्होंने हम जीतन राम मांझी जी के भी साथ गए तो अब उन्होंने बी एस का दामन थामा है और उस अभी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद ये बता कि इन्होंने कितने बार विधानसभा का मुंह देखा है या लोकसभा का इन्होंने कितना मुंह देखा है तो भाई जनता ने तो आपके मुंह पे तमाशा दे मारा कि आप को लायक नहीं है आपके चलते जो है ना गरीब जनता जो है इतनी जो आज पंद्रह सालों से राष्ट्रीय जनता दल जो झेल रही है उसके कारण मुख्य कौन है यही साधु यादव है ना जो आज बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भाई आप मुख्य छोड़ तो 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 हैं चुनाव तो लड़ा, लड़ते हैं है, कितनी बार ये जीत पाए वहां की जनता ने इनको नकार दिया दुकार दिया किसी लायक नहीं है आज तक ये विधानसभा का मुंह वहां से देख नहीं पाए तो अब बैठ करके अपनी फ्रस्ट्रेशन रहे हैं हाँ महाराणगंज ना विधानसभा के चुनाव ये जीत पाए ना लोकसभा की चुनाव जीत पाए यानी कि ना नौ में है ना छो में है तो अब इनके पास क्या बचा हुआ है बैठ करके यही बड़बोली बती आएंगे कौन ध्यान दे रहा है ध्यान कौन दे रहा अच्छा, है दे रहे हैं इनको उल्टे किस जिस तरह का भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी भगनी अपने भांजे के प्रति तो, आप आप महिला आप 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 तो आपको तो जनता देख रही है ना भाई आने वाले टाइम में एक, उनको एक जरूरी सवाल जरूरी सवाल क्या हमारे देश में क्रिश्चन होना गुना है अगर क्रिश्चन होना गुना है तो सोनिया गांधी भी क्रिश्चन है और जिससे राजीव गांधी शादी किए और उसी सोनिया गांधी की पार्टी में साधु यादव ज्वाइन किए और उनके नेतृत्व में काम किए देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप दलित होना गुनाह है क्रिश्चियन होना गुनाह है आप हिंदू होना गुनाह है मुसलमान होना गुनाह है ये सारी जो है ना समाज की कुरीतियां हैं जिसे बदलने की जरूरत है और हम बार बार सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं जाति प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं आप बीजेपी के ना ये मत बनिए प्रवक्ता मत बनिए साधु यादव जी आप जो धर्म 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 का आप जो लोटा लेके घूम रहे हैं ना ये मत कीजिए आप बीजेपी हमेशा ये करती है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको बीजेपी के यहाँ जाकर के पत्थर चाटने को मिलेगा इसलिए मुझे इस तरह की भाषा बोलनी है तो आप बोलते रहिए आपकी एक महज जो कहते हैं ना व्यक्तित्व के अलावा आपके पास कुछ नहीं बच जाएगा तो तो सिर्फ सिर्फ कही जनता दल के जो मुखिया प्रमुख हैं उनके आप एक पारिवारिक संबंध संबंधी हैं अन्यथा आपका अपना क्या व्यक्तित्व है आपकी क्या अपनी एक शिकायत ये है हमको लगता है जहां तक साधु यादव इसलिए भी नाराज है इसीलिए नाराज है क्यों कह रहे कि हम बारह साल से हम मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं हमको राखी नहीं बांधती है राबड़ी देवी जी फलनवा को बांधती हैं मैं इन सब बातों पे कोई कमेंट नहीं करूंगी सबस... क्योंकि ये विशुद्ध रूप से किसी का पर्सनल मैटर है कि आप किसको को राखी बांधेगी कौन किसके यहाँ शादी में जाएगा कौन किसको बुलाएगा मुझे नहीं लगता ये हमारा विषय है कि एक, मैं उस पे, मैं, मैं एक चीज जो बतिया है कि गोपालगंज जहाँ से सांसद बनते थे उस सीट में बोल रहे हैं की लालू यादव करवा दिए रिजर्व दलितों के लिए इसलिए हमको दिक्कत हो रही है हम सांसद नहीं बन पा रहे ये बताइए क्या किस तरह के किंग मेकर है कहते हैं खुद को किंग मेकर है भाई अगर आप वाकई में किंग मेकर है तो बिहार के आप किसी भी एक सीट से आपको खड़े होकर के जीत करके दिखा देना चाहिए कि देखो मैं किंग मेकर हूं मेरे लिए गोपालगंज और अन्य जो है ना पसंदीदा सीट कोई माने नहीं रखता मैं बिहार के किसी कोने पे खड़ा हूं बिहार छोड़िए आप भारत के किसी भी सीट को पकड़ लीजिए और जीत के दिखाइए तब कहीं ना कहीं लोग मानेंगे कि आप किंग मेकर है तो ये गोपालगंज में ही किए जा रहे हैं गोपालगंज तो बिहार शरीफ तो नालंदा मत बांटिए इस तरह से मत कीजिए आपकी आपकी कुछ नहीं आप में कोई काबिलियत नहीं है कि आप मुखिया चुनाव भी नहीं आप जीत सकते हैं अच्छा ये जो साधु यादव बोले हैं ये आरजेडी परिवार ही इससे आहत हुआ है या समर्थक राजद के आहत हुए या देश विदेश के समस्त क्योंकि इंडिया के बाहर ज्यादातर क्रिश्चियन है बड़े जो विकसित देश है अमेरिका वगैरह तो वहाँ क्या मैसेज गया होगा कि भारत में क्रिश्चियन लड़की से कोई शादी करता है तो वहाँ के लोग किस तरह की बात करते हैं तो ये मैसेज दूसरे देशों में किस तरह से गया होगा क्रिश्चियन के प्रति जो नफरत वाली बात हो देखिए वो ना जो जिस ढर्र पे चल रहे हैं वो बीजेपी का ढर्रा बीजेपी जो है हमेशा आपने देखा होगा सोनिया गांधी पे हमेशा उनके धर्म पे और उन पे विदेशी होने का हमेशा उन्होंने कटाक्ष किया है लालू यादव के भारत की हाँ, बिल्कुल लालू यादव जी चूंकि वो पारिवारिक आदमी है और वो जानते हैं कि किस तरीके से सम्मान देना चाहिए महिलाओं को तो वो वो उन्होंने किया लेकिन साधु यादव जी चूंकि सत्ता के लोभी हैं और उनको तो कहीं कोई पूछ नहीं रहा है तो वो सोच रहे हैं शायद मैं इस तरह का भाषा करूंगा तो अभी चुनाव भी है और यूपी भाई बीएसपी की जुड़े हुए लोग हैं तो उनको लगता है ना कहीं कही बीजेपी उनको जगह को तो बिल्कुल, बिल्कुल।, बिल्कुल।, बिल्कुल होगा हो क्योंकि जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल साधु जी कर रहे हैं मैं फिर से बोल रही हूं कि मायावती जी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया वो दलितों पे प्रहार है डायरेक्टली वो दलितों पे प्रहार है महिलाओं पे प्रहार है और इससे रिश्ता शर्मसार हो रहा है महिलाएं शर्मसार हो रही हैं तो साधु यादव जी पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए मायावती जी को चलिए तो सारिका पासवान जी का कहना है कि चूंकि बिहार में खास करके ऐसे तो देश के हर राज्यों में लेकिन बिहार में खास करके जो क्रिश्चियन बनते हैं या बौद्ध बनते हैं कन्वर्ट होते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं वो दलित महादलित समाज के होते हैं और क्रिश्चियन पे अटैक कर रहे हैं साधु यादव इसका मतलब है वो दलितों पर हमला कर रहे हैं इससे बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा क्योंकि साधु यादव बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं बिहार के अब बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर ही महाराजगंज से चुनाव लड़ते हैं तो इनका कहना है कि बहन जी एक्शन लें मायावती जी और कार्रवाई करें साधु यादव पर और उनको पार्टी से निष्कासित किया बिल्कुल बिल्कुल उनको निष्कासित करना चाहिए क्योंकि वो वो इस योग्य नहीं है है कि वो बहुजन समाज पार्टी जिनकी की विचारधारा ही रही दलितों और वादी लोग तो वो नहीं सुभा देता है कि साधु यादव जी वहाँ पे रहे इनका कहना है कि बीएसपी से मायावती जी साधु यादव जी को निकाले आपका क्या कहना है पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे और फेसबुक पे वीडियो देख रहे पसंद आया तो पेज को लाइक फॉलो नहीं करना भूलिए और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजाक कीजिए जय भीम जय भारत